हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मैचर क्लास में। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं बताऊंगा एक काफ़ी महंगी सिरप जिसका नाम है पीडियावाइज एफ। दोस्तों, ये दो तरह की होती हैं, पीडियावाइज एफ ड्रॉप्स भी आ जाती हैं, पीडियावाइज ड्रॉप्स, और जो आती हैं पीडियावाइज एफ। तो दोस्तों, ये आपको मार्केट में 1000 रुपीज़ में मिल जाती है, कभी 850 में, डिपेंड करता है कहाँ से खरीद रहे हो, ऑनलाइन भी खरीद सकते हो दोस्तों। और दोस्तों, याद रखिए इसके जो कंटेंट्स यहाँ पे ओमेगा 3 फैटी DHA EPA लिखा हुआ है, मैं इसके बारे में बताऊंगा आपको। इससे पहले प्लीज़ मेरे इस चैनल मैचर्ड क्लास को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को शेयर और लाइक कीजिए। तो दोस्तों, ये काफ़ी महंगी आने वाली सिरप ये दिया जाता है उन बच्चों को जो इंटेलिजेंस नहीं होती है, एक्टिवपन नहीं होता है, जहाँ पर बच्चों को मेमोरीज के लिए यूज़ किया जाता है, याद रखने के लिए। लेकिन नॉर्मल बच्चों के लिए ज़रूरत नहीं होती है, कुछ स्पेशल बच्चे होते हैं जहाँ पर उनके लिए ये दिया जाता है। तो दोस्तों, ये 150 ml की पैक आपको मिल जाती है मार्केट में, और इसके जो कंटेंट्स होते हैं DHA यानी डोकोसा हेक्सानिक एसिड 400 mg होता है, और EPA होता है 100 mg, और ओमेगा 3 फैटी एसिड 1000 mg। ये काफ़ी अच्छा जो है कॉम्बिनेशन है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि ग्रोथ ऑफ द ये आपका जो ब्रेन ग्रोथ होता है, ब्रेन डेवलपमेंट होता है, लर्निंग एबिलिटीज़ होते हैं बच्चों में, ये बहुत अच्छे से ग्रो होती है, जिसकी वजह से क्या होता है बच्चों में वो जैसे कि मानो कि बच्चा अगर स्लो है लिखने में, पढ़ाई करने में, मेमोरी में, तो हर बच्चा जो होता है, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जहाँ पर बहुत ही कमज़ोर होते हैं, उन बच्चों के लिए ये बहुत अच्छा होता है, बहुत असरदार और बहुत बढ़िया रिजल्ट देने वाली ये सीरप है। अब ये देना कैसा है, ये आपको खाने से पहले या खाने के बाद कोई कैसे भी दे सकते हो, लेकिन डॉक्टर की सलाह या पर्ची के बगैर ना दें, क्योंकि इसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, मैं बताऊंगा आपको। और ये जो होता है 2.5 ml दो टाइम होता है, मिनिमम एज जो होती है वो आपको लेनी होती है 2 साल के बाद ही दें, बेहतर रहेगा, ड्रॉप्स आते हैं उससे पहले। और ये जो साइड इफेक्ट्स होते हैं, कभी लूज मोशन हो सकता है, वरना उतने ज़्यादा साइड इफेक्ट्स नहीं देखने को मिलते हैं। अभी कभी हाई इन्फेक्शन होता है तो ये अवॉइड करें, बेहतर रहेगा। ये आपको तकरीबन 3-4 महीने भी डाल सकते हो, या 1 महीने डाल के बंद कर सकते हो, फिर आप कंटिन्यू भी कर सकते हो, अपने डॉक्टर से पूछकर ही कंटिन्यू करें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।